पुण्यान भिक्षु अविद्या अंधकार में डूबकर तृष्णा से भरे हुए रहने वाले बाल बाल का इस जीवन में बाल का इस जीवन इसी प्रकार बन गया है। इसी प्रकार नाम रूप ये दोनों हेतु के कारण स्पर्श उत्पन्न होता है। बाल का जीवन इसे बन जाता है, नाम रूप के कारण स्पर्श उत्पन्न होता है, फिर आयतन उत्पन्न होता है, इसके कारण स्पर्श पाने से सुख और दुख भोगता है। कौन? बाल। पुण्यन भिक्षु अविद्या अंधकार में डूबे हुए तृष्णा से भरे हुए पंडित भी इस जीवन में उसी प्रकार रहते हैं। कैसे? इसी जीवन में बाहर नाम रूप ये दोनों हेतु के कारण स्पर्श उत्पन्न होता है, च आयतन उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से महसूस करने से सुख और दुख भोगता है। तो पुण्यवान भिक्षु इस कारण में बाल और पंडित का फर्क क्या पड़ता है? बाल पंडित अलग कैसे होते हैं? कौन सा प्रयोग है, क्या अलग है? पंतल बताते था कि हमारे धर्म आपका, हमारे गुरु आप है, आप जो बोलते हैं वैसे हम लोग सुनेंगे। तो सुनिए भिक्षु, अविद्या से बाल अंधेरा होने के बाद तृष्णा में डूबने के बाद अविद्या ही बाल को नष्ट नहीं हुआ है। अविद्या में डूब के रहने के कारण, तृष्णा में डूब के रहने के कारण बाल को अविद्या खत्म नहीं हुआ है। वो तृष्णा ही बाल के पास खत्म नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है? अच्छी तरह दुख नष्ट करने वाले आर्यष्टांगिक मार्ग पे वो जीवन चलाया नहीं, इसीलिए बाल मरने के बाद और शरीर के पास चल जाता है। शरीर के पास जो आता है वो बाल जन्म से मुक्त नहीं होता है, जरा मृत्यु से मुक्त नहीं होता है। सुख दुख पछता परेशान से मन की दुख शारीरिक दुख इत्यादि दुख तकलीफ से मुक्त नहीं होता है, दुख से मुक्त नहीं होता है, इसे मैं कहता हूँ। पुण्यन भिक्षु, जिस प्रकार अविद्या से पंडित भी, पंडित मतलब बुद्धिमान व्यक्ति भी अंधेरा हो गया तो, तृष्णा से युक्त हो गया तो वो अविद्या ही उसको भी नष्ट नहीं हुआ, वो तृष्णा ही उस पंडित के पास बुद्धिमान व्यक्ति के पास नहीं, जिस अविद्या से अंधेरा हो गया तो, जिस तृष्णा तृष्णा में डूब गया तो वो बुद्धिमान पुरुष उस अविद्या ही नष्ट कर दिया है, उस तृष्णा खत्म कर दिया है। इसका कारण क्या है? अच्छी तरह दुख खत्म करने वाले आर्यष्टांगिक मार्ग का नाम का आर्य मार्ग पे वो आचरण करता है, इसलिए वो बुद्धिमान व्यक्ति मरने के बाद फिर शरीर में नहीं आता है। शरीर पे नहीं आने वाले वो बुद्धिमान व्यक्ति जन्म से मुक्त होता है, जरा मृत्यु से मुक्त होता है, शोक पछतावा दुख इत्यादि से मुक्त होता है, ऐसा मैं कहता हूँ।
इसी प्रकार बाल पंडित का फर्क है। इसका मतलब बाल आर्य मार्ग पे आर्यष्टांगिक मार्ग पे नहीं जाने के कारण कृष्णा अविद्या नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति आर्यष्टांगिक मार्ग पे जाने के कारण पाठी संपाद समझना चाहिए। पच्चे पच्चे युपन्न सूत्र क्या है? पच्चय पच्चय युपन्न सूत्र श्रावस्ति में बताए हैं। पुण्यवान भिक्षु मैं आपको पटिच समुपाद, पटिच समुपाद मतलब हेतु फल धर्म, इसको पटिच समुपाद कहते हैं। पटिच समुपाद हेतु फल धर्म से जो कुछ उत्पन्न होता है उसके बारे में बता दूंगा। ध्यान से सुनिए, ज्ञान से मन करी मैं बता दूंगा जी। तथागत पुण्यवान भिक्षु पटिसंपाद मतलब क्या है? भिक्षु जन्म लेने के कारण जरा मृत्यु है, ये जो कारण तथागत भगवान बुद्ध लोग जन्म लिया तब भी जन्म नहीं लिया तब भी होते रहता है। क्या? जन्म लेने के कारण जरा मृत्यु होना, भगवान बुद्ध जन्म लिया तब भी नहीं लिया तब भी दुनिया में होते रहते सनातन धर्म में स्वाभाविक है। सनातन धर्म में हेतुपाल धर्म में नियम धर्म है। क्या नियम धर्म है? जो जन्म जन्म है तो जन्म जन्म के कारण जरा मृत्यु होता है, लेकिन तथागत भगवान बुद्ध वो कारण अनुबोध करते हैं, जान जाते हैं, अपना ज्ञान से प्रत्यक्ष करते हैं, समझ लेते हैं। तो वो कारण अनुबोध करके ज्ञान से प्राप्त करके सारे जग को देवमानों को दिखाते हैं, उपदेश देते हैं और समझाते हैं और लोगों को खोल देता है ज्ञान की दरवाजा, विस्तार कर देता है, निकाल के दिखाता है, ज्ञान से मनन करके देखने के लिए बताते हैं तथागत भगवान बुद्ध। वो दुनिया में जो हमेशा होता है वो कारण निकाल के बताता है। पुण्यवान भिक्षु इसी प्रकार जन्म के कारण जरा मृत्यु उत्पन्न होता है, ये जो कारण है वो सत्य है, कभी झूठ नहीं होता है, कभी बदलता नहीं है, ये हेतु फल धर्म है। पुण्यवान भिक्षु इसी को कहा जाता है पटिच समुपाद। पुण्यवान भिक्षु भाव हेतु के कारण जन्म होता है, भाव मतलब जन्म लेने के लिए कर्म तैयार होने के कारण जन्म हो जाता है। ये भी दुनिया भगवान बुद्ध लोग जन्म लिया तब भी नहीं लिया तब भी दुनिया में होते रहता है। भगवान बुद्ध ने क्या किया? जन्म लेके ये कारण अनुभव किया, जान गया, ज्ञान से मनन करके समझ गया, समझ के सारे जगह को दिखाया, खोल दिया, उपदेश दिया, पहचाना और खुल और निकाल के दिखाया, ज्ञान से मनन करके देखने के लिए समझाया। कौन सा कारण? जो भाव के कारण, यानी कि जन्म लेने के कारण तैयार होता है, उसके कारण जन्म होता है, वो कारण सत्य है, झूठ नहीं है, कभी बदलता नहीं है, ये हेतु फल धर्म है, ये पटिच समुपाद है। इसके बाद बताया उपादान के कारण भाव उत्पन्न होता है। उपादान मतलब बंधन, काम बंधन,
विधि बंधन शीलाबद्ध बंधन अत्यवाद बंधन। ये बंधन के कारण ही लोग कर्म करता है, भाव मतलब कर्म तैयार होना। तो बंधन के कारण कर्म तैयार होना, भगवान बुद्ध जन्म नहीं लिया तब भी दुनिया में होते रहता है, लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या किया, जन्म लेके ये सत्य को समझ गया, समझ के दुनिया को दिखाया, निकाल दिया, खोला दिया, समझाया, विस्तार किया, अच्छा से दिखाया, ज्ञान से मनन करके देखने के लिए दिखाया। पुण्यवान भिक्षु इस प्रकार बंधन के कारण जन्म के लिए कर्म तैयार होना ये सत्य है, परम सत्य है, कभी झूठ नहीं होता, कभी बदलता नहीं है, हेत फल धर्म है, यही है पटिसंपाद। इसके बाद बताया पुण्यवान भिक्षु अभी आप लोग समझ में आता है ना, नहीं डिटेल्स बताना चाहे बुढ़े लोगों को, वो रह गया तो बता सकता था ना। पुण्यवान भिक्षु तृष्णा के कारण बंधन उत्पन्न होता है, तृष्णा मतलब इच्छा, इच्छा के कारण यानी कि तृष्णा के कारण ही बंधन यानी कि उपादान, उपादान मतलब बंधन, उपादान जैसे में आपका मन उस छाता पे उपादान हो गया, मेरा मन इस कान पे उपादान हो गया, मेरा मन वो कप में उपादान हो गया, कप पर मेरा मन ये फूल पे उपादान हो गया। अभी समझ के उपादान मतलब क्या है, बंध बहन जान। तो भगवान बुद्ध ने दिखाया ये तृष्णा के कारण उत्पन्न होता है उपादान बंधन, ये जो तृष्णा के कारण उत्पन्न होने वाले बंधन भगवान बुद्ध जन्म नहीं लिया तब भी तृष्णा के कारण उपादान होता है, हमेशा होते रहता है, लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या किया, अनुबोध किया, जान गया, समझ गया, ज्ञान से मनन करके प्राप्त किया, प्राप्त करके पूरा दुनिया को खोल के दिखाया, समझाया, विस्तार किया, अच्छी तरह समझाया, अच्छी तरह दिखाया, ज्ञान से मनन करके देखने के लिए दिखाया, निकाल के दिखाया, ऐसा कर दिया। इसके बाद बताया पुण्यवान भिक्षु ये जो तृष्णा के कारण बंधन उत्पन्न होता है वो सत्य है, झूठ नहीं है, कभी बदलता नहीं है, हेत पर धर्म है, ये है पटिसंपाद। मैंने लेके चल दिया, तो जा रहा है टाइम साथ में, अभी तो अभी स्कूल नहीं जाएगा, जाएंगे हाँ ठीक है। इसके बाद पुण्यवान भिक्षु वेदना के कारण तृष्णा उत्पन्न होता है, सुख दुख उपेक्षा वेदना के कारण तृष्णा उत्पन्न होता है, तृष्णा उत्पन्न होने का कारण क्या है, सुख उपेक्षा वेदना, वेदना नहीं तो तृष्णा उत्पन्न नहीं होता। ये कारण भगवान को जन्म लिया तब भी, जन्म नहीं लिया तब भी हमेशा संसार होते रहता है, लेकिन भगवान बुद्ध ने इसको अनुबोध किया, जान गया, समझ गया, समाज की दुनिया को दिखाया,
समझाया, विस्तार करके निकाल के दिखाया, अच्छे से समझाया। ये जो वेदना के कारण तृष्णा उत्पन्न होता है, वे परम सत्य है, कभी झूठ नहीं होता है, हेतु फल धर्म है, यही पाठ्य संपद। वैसे ही पुण्यन भिक्षु, स्पर्श कारण वेदना उत्पन्न होता है, स्पर्श कारण वेदना उत्पन्न होता है, फिर च आयतन के कारण स्पर्श उत्पन्न होता है, इसके बाद नाम रूप के कारण आयतन उत्पन्न होता है, फिर विज्ञान के कारण नाम रूप उत्पन्न होता है, फिर संस्कार के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है, इसके बाद अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होता है। ये जो कारण तथागत जन्म लिया तब भी, जन्म नहीं लिया तब भी दुनिया में धर्म नियम धर्म सनातन धर्म हमेशा होते रहता है, हेतु पर धर्म है। तथागत भगवान बुद्ध जी जान गया है, प्रत्यक्ष किया है, अवबोध किया है, समझ गया है, ऐसे हो कि सारे देवमानों को ये सब दिखाया, उपदेश दिया, पहचानवाया और खोल दिया, विस्तार किया, अच्छा से ज्ञान से मनन करके देखने के लिए दिखाया। ये अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होना सत्य है, झूठ नहीं है, ये हेतु पर धर्म, ये है पटिसंपाद। पुण्यन विष्णु हेतु पर धर्म से क्या जन्म लिया, क्या उत्पन्न हुआ? पुण्यन विष्णु, जरा मृत्यु अनित्य है, वो बनाया हुआ चीज है, जरा मृत्यु हेतु पर धर्म से बन गया है, नष्ट होता है, खत्म हो जाता है। ये जरा मृत्यु के बारे में आसक्त नहीं होना चाहिए, आसक्त है तो आसक्त नष्ट करना चाहिए। ये जन्म लेना भी अनित्य है, हेतु पर धर्म से बन गया है, इसको भी नष्ट करना चाहिए। तृष्णा वेदना स्पर्श आयतन नाम रूप विज्ञान अविद्या, ये सब कुछ हेतु पल धर्म से बन गया, ये सब कुछ अनित्य है, नष्ट होता है, अनासक्त होना चाहिए, आसक्त को निरुद्ध करना चाहिए, इसको कहता है हेतु पल धर्म से बन गया। पुण्यन भिक्षु, जिस दिन आर्य श्रावक ये पाठ्य संपद जो कुछ उत्पन्न होता है उसके बारे में अपना प्रज्ञा से उसी प्रकार जान गया, तो उनका मन में ये विचार कभी उत्पन्न नहीं होता है कि हम अतीत में थे या नहीं, अतीत में नहीं थे क्या, अतीत में हम कौन थे, अतीत में हम किस प्रकार के थे, अतीत में हम कौन कौन बन गए थे, इसी प्रकार अतीत के बारे में कोई मनन उनका मन में नहीं आता है। फिर अनागत में भविष्य में हम होंगे या नहीं, भविष्य में हम नहीं होंगे क्या, भविष्य हम कौन बनेंगे, भविष्य मेरा कैसा हो जाएगा, भविष्य में हम कौन कौन जैसा हो जाएगा, इसी प्रकार भविष्य के बारे में मन रखना उनका पास नहीं हो सकता है। सचमुच में हम है या है, सचमुच में हम नहीं है, वर्तमान के बारे में हम किसी प्रकार हैं, ये सत्व कहाँ से आ गया, ये लोग कहाँ से आ गया, ये लोग कहाँ जाता होगा, वर्तमान अपना जीवन कैसा कैसा है, ऐसा डाउट शक कभी उत्पन्न नहीं होता है। इसका कारण क्या है, पटिसंपाद या पटिसंपाद में जो कुछ उत्पन्न होता है उसके बारे में आर्य श्रावक अपनी प्रज्ञा से उसी प्रकार जान लिया, जानने का उनका मन अतीत में भी नहीं रहता, अनागत में भी नहीं रहता, वर्तमान में भी नहीं रहता, मुक्त होता है।